हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है आपके एसएससी के एग्जाम की डेट से रिलेटेड। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अनअकैडमी पर मेरे ये कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी डेली दो फ्री क्लास होती है, एक रीजनिंग की 1 PM पर और एक इंग्लिश की 5 PM पर, तो ये फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे टीचर्स के कई सारे बैचेस चल रहे हैं, अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, इन ऑफर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ इसके अलावा ऑफर्स के साथ साथ हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट होता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए क्या अपडेट है हमारा, अपडेट ये है कि ये हिंदुस्तान अखबार में ये एक न्यूज छपी है, एंड दैट इज व्हाट 9 लाख को CHSL 2020 का इंतजार, इस टाइटल के साथ में ये न्यूज छपी है। और क्या इस न्यूज में है, इसके कंटेंट्स को हम जानेंगे। तो ये हिंदुस्तान अखबार से ये न्यूज है, तो इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये उतना क्लियर नहीं था, तो इसके पढ़ने के लिए हम हिंदुस्तान की वेबसाइट पे गए। और हिंदुस्तान की वेबसाइट पे क्या क्या हमें मिला, आइए उसको जरा पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें इन्होंने लिखा है, अनलॉक होने के साथ ही अन्य आयोगों की तरह कर्मचारी चयन आयोग SSC ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्थगित परीक्षाएं जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए कि जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से परीक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। सबसे पहले कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2020 की भर्ती टीयर 1 की परीक्षा कराई जाएगी। सबसे पहले CHSL 2020 की जो टीयर 1 की परीक्षा चल रही थी वो कराई जाएगी, जो कि 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर आयोग ने 19 अप्रैल को ही परीक्षा टाल दी। इस परीक्षा के लिए देश भर में 32,58,242 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। मध्य क्षेत्र के अधीन यूपी व बिहार में सर्वाधिक 9,11,000 परीक्षार्थियों ने को दोबारा परीक्षा होने का इंतजार है, और परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। यानी कि जुलाई के सेकेंड या फिर थर्ड वीक से आपकी CHSL की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो MTS 1 जुलाई से आपका शेड्यूल्ड है वो पोस्टपोन हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लिखी हुई है। आगे इन्होंने कहा, CHSL के बाद होगा स्टेनोग्राफर टाइप टेस्ट, यानी CHSL के बाद स्टेनोग्राफर का टाइप टेस्ट होगा, जो स्टेनोग्राफर टाइपिंग टेस्ट आपका मतलब अभी होना है। जानकारों का कहना है कि CHSL 2020 के बाद स्टेनोग्राफर भर्ती का टाइप टेस्ट होगा, उसके बाद CGL लेवल की भर्ती टीयर 1 की परीक्षा हो सकती है। तो पहले CHSL का जो टीयर 1 है वो खत्म कराया जाएगा, उसके बाद CGL की भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, जो कि 29 मई से 7 जून तक प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के कारण ये भी टालनी पड़ गई। उसके बाद आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की परीक्षा होगी। मई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित कांस्टेबल GD की भर्ती भी टाल दी गई थी। तो जो मई के पहले सप्ताह में GD की भर्ती थी वो भी टाल दी गई थी। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि CHSL होगी, फिर आपकी CGL होगी, और उसके बाद MTS की परीक्षा होगी। यानी कि MTS जो कि 1 जुलाई से शेड्यूल्ड है तो वो आपका पोस्टपोन माना जा सकता है। इसके बाद जो RD हैं CR यानी कि सेंट्रल रीजन के SSC के ऑफिसर हैं, इन्होंने कहा है कि आयोग की गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, सत्यापन वगैरह चल रहा है, सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से स्थगित परीक्षाएं दोबारा होने लगेंगी। हमारी प्राथमिकता CHSL 2020 की है, क्योंकि इसे बीच में रोकना पड़ा था। तो सबसे पहले उन्होंने जैसा ही क्लियर किया है कि बार बार एक ही बात उन्होंने कही है कि सबसे पहले आपका CHSL 2020 की परीक्षा होगी, जो कि उन्होंने पहले रोकी थी। ठीक है, इसी में आपके आगे की बात लिखी है, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में, ये आपकी SSC से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। SSC से रिलेटेड न्यूज़ आपकी जितनी थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर इस न्यूज़ का माने, और ये आपकी, चूंकि ये द न्यूज़ इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि डायरेक्ट राहुल सचान जो SSC में ही कार्यरत हैं सेंट्रल रीजन में, उन्होंने दी है, तो उससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि CHSL की परीक्षा जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक से होगी, उसके बाद आपकी CGL की होगी, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगस्त एंड से आपकी CGL की परीक्षा हो जाएगी, और उसके बाद सितंबर एंड तक आपकी MTS की परीक्षा हो सकती है, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। ठीक है, तो अगर आप इसको, इस न्यूज़ को बिल्कुल सही मान के चलिए, हो सकता है ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे एग्ज़ाम टाइम से होंगे, और एग्ज़ाम टाइम से होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग अच्छी से तैयारी करिए और पढ़ाई में मन लगाइए,
बाकी के वीडियोस आने के इस यूट्यूब इसी पे मिलते रहेंगे आपको। और अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं रील्स के थ्रू आपको वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। चलिए, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आई होप जितना बताया समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।